हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। तो देखिए, हमारा चैप्टर चल रहा था बुद्धि इंटेलिजेंस का, तो जिसमें हमने ये जाना कि बुद्धि जो है वो व्यक्ति की एक जन्मजात शक्ति है, ठीक है। और बुद्धि जो है वो व्यक्ति को एनवायरनमेंट के साथ जो है सामंजस्य किस तरीके से उसे बैठाना है, तो इसकी जो है क्षमता प्रदान करती है। जितनी भी समस्याएं उसके सामने आती हैं उनके समाधान में जो है हेल्प करती है बुद्धि। और बुद्धि की सहायता से ही व्यक्ति विवेकपूर्ण, तर्कपूर्ण और संगत ढंग से विभिन्न विषयों पर चिंतन कर पाता है, सोच पाता है। तो उसके आगे हम पढ़ेंगे बुद्धि के सिद्धांत। तो बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक रहे, इन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि बुद्धि का स्वरूप क्या है, ये कैसे कार्य करती है, ठीक है। तो इन्हीं निष्कर्षों को बुद्धि का सिद्धांत कहा गया। तो बुद्धि के सिद्धांतों की यदि हम बात करें तो दो भागों में हम बांटते हैं। एक तो ऐसे मनोवैज्ञानिक आएंगे यहां पर जो कि ये मानते हैं कि बुद्धि के संगठन की व्याख्या जो है वो कारकों के रूप में होती है, ठीक है। दूसरे ऐसे मनोवैज्ञानिक जो कि प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत वाले हैं, जो ये मानते हैं कि बुद्धि की व्याख्या विभिन्न कारकों के रूप में नहीं की जा सकती, बल्कि बौद्धिक प्रक्रियाओं के रूप में जिन्हें व्यक्ति किसी समस्या के समाधान करने या सोच विचार करने में उपयोग करता है। तो जहां सबसे पहले हम उन मनोवैज्ञानिकों की बात करेंगे जिन्होंने कारकों के रूप में व्याख्या की बुद्धि की, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फ्रेड बिने का एक तत्व का सिद्धांत आएगा, द्वितत्व सिद्धांत आएगा स्पीयरमैन का, त्रितत्व सिद्धांत स्पीयरमैन का, त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड का, ठीक है, और बहुआयामी सिद्धांत गार्डनर का। तो ये सभी जो सिद्धांत दिए, तो इन्होंने कारक को महत्व दिया बुद्धि की व्याख्या करने में। तो सबसे पहला है एक कारक सिद्धांत, यह किसने दिया? अल्फ्रेड बिने ने दिया। इसी सिद्धांत के उपनाम है एक खंड, एक तत्व सिद्धांत, एक घटकीय या इकाई सिद्धांत। किसके हैं? एक कारक सिद्धांत के ही अन्य नाम है। समर्थन किया एक कारक सिद्धांत का टर्मन और स्टर्न ने। तो अल्फ्रेड बिने जो है ये क्या कहते हैं कि बुद्धि जो है एक अखंडात्मक इकाई है, यानी कि अखंड है, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। या हम ये भी कह सकते हैं कि बुद्धि जो है एक पूर्ण इकाई है, यानी जो व्यक्ति एक क्षेत्र में निपुण है तो वो हर क्षेत्र में निपुण होगा, ऐसा कहना है बिने का, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए, यानी एक टीचर जो कि टीचिंग अच्छी करता है, हवाई जहाज भी उड़ाना अच्छा जानता होगा, पेंटिंग करना भी अच्छा जानता होगा, यानी एक में बहुत सारे जो है क्वालिटी है। तो एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बिने का क्या कहता है कि जो व्यक्ति एक क्षेत्र में निपुण है वो हर क्षेत्र में निपुण होगा, यानी बुद्धि जो है वो एक कारक से मिलकर बनती है। बुद्धि एक अखंडात्मक इकाई है, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता, ठीक है। वहीं पर इस सिद्धांत को नकारते हैं जॉनसन, और इसी सिद्धांत को नकारते हुए निरंकुशवादी सिद्धांत इन्होंने दिया और कहा कि एक व्यक्ति एक ही कार्य में अच्छा है तो वो जरूरी नहीं है कि वो अन्य क्षेत्र में भी अच्छा हो। ये कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता कि जो व्यक्ति कला में निपुण है तो विज्ञान में भी निपुण होगा। तो बिने के इस सिद्धांत की आलोचना की जॉनसन ने निरंकुशवादी सिद्धांत देके, ये आप ध्यान में रखें। दूसरा है कारक सिद्धांतों में द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत जो है किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया। 1904 ईस्वी में जो है इन्होंने द्विकारक सिद्धांत दिया। किसने? स्पीयरमैन ने। इन्होंने बताया कि बुद्धि जो है इसमें दो तत्व होते हैं। कौन कौन से? एक तो सामान्य तत्व होता है, एक विशिष्ट तत्व होता है। तो सामान्य तत्व के आधार पर इन्होंने सामान्य कारक और विशिष्ट के आधार पर इन्होंने विशिष्ट कारक, दो कारकों का प्रयोग किया। इन्होंने कहा कि बुद्धि में दो तत्व होते हैं, सामान्य कारक और एक विशिष्ट कारक। ये कहते हैं कि जो सामान्य कारक हैं ये जन्मजात होते हैं, ठीक है, और ये योग्यता जो है सभी व्यक्तियों में कम या अधिक मात्रा में मौजूद होती है, और जीवन की किसी भी अवधि में जो है इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। और जो दूसरा विशिष्ट कारक बताया, इसकी क्या विशेषता बताई इन्होंने? इन्होंने बताया कि जो विशिष्ट कारक है इसकी मात्रा जो है भिन्न भिन्न कार्यों के लिए निश्चित नहीं होती है, बल्कि भिन्न भिन्न होती है।
एक व्यक्ति में एक कार्य के लिए विशिष्ट कारक की मात्रा अधिक भी हो सकती है, परंतु उसी व्यक्ति में दूसरे कार्यों के लिए जो विशिष्ट कारक की मात्रा है वह कम भी हो सकती है। ठीक है, तो सामान्य कारक यानी जी फैक्टर जो नाम दिया इन्होंने, इन्होंने कहा ये जन्मजात होते हैं, इसको बदला नहीं जा सकता, इसे जो है अधिगम या प्रशिक्षण से जो है हम नहीं बदल सकते। जैसे जो गायक है तो वो गाने में एक्सपर्ट है, तो उसका जो बेटा है वह गायक होगा। ये सामान्य कारक है, ये जन्मजात है, यानी गायक का बेटा गायक हो सकता है। विशिष्ट कारक, और ये देखिए ये जो है वो बदला नहीं जा सकता है, यानी हम लाख चाहें तो एक गायक का बेटा गायक हो सकता है, यदि हम चाहें कि उसे उसकी रुचि पेंटिंग में कर दें तो ऐसा नहीं होगा, ये स्पीयरमैन का कहना है। विशिष्ट कारक, ये कारक जो होते हैं ये अर्जित होते हैं, एनवायरमेंट में आके जो है इनका अर्जन किया जाता है, और जब एनवायरमेंट में आके अर्जन करते हैं तो हम अधिगम या प्रशिक्षण से इसे बदल भी सकते हैं। स्पीयरमैन क्या कहते हैं कि सामान्य कारक जो हैं ये तो व्यक्ति में मौजूद होंगे ही, लेकिन विशिष्ट कारक ये कम भी हो सकते हैं, अधिक भी हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने लिखा है कि सानिया नेहवाल जो हैं बैडमिंटन खेलती हैं, सभी जानते हैं, तो बैडमिंटन में जो है इनको विशिष्टता है, लेकिन पेंटिंग का गुण भी इनमें हो सकता है। ठीक है, तो इनका जो जी फैक्टर है वह क्या है, बैडमिंटन खेलना, ये गुण है इनमें, लेकिन एस फैक्टर क्या है कि इनमें जो है वो पेंटिंग का गुण भी हो सकता है। तीसरा सिद्धांत देखिए, त्रिकारक सिद्धांत, यह भी किसने दिया, स्पीयरमैन ने दिया। तो स्पीयरमैन जो है इन्होंने अपने ही सिद्धांत में जो द्विकारक सिद्धांत है इसमें संशोधन किया और बुद्धि का एक नया तत्व जो है समूह कारक जो है इसमें जोड़ा, यानी जी फैक्टर था, एस फैक्टर था, और इन्होंने ग्रुप फैक्टर जो है वह भी इसमें जोड़ दिया। स्पीयरमैन ने एक कारक और द्विकारक में समूह कारक जो है जोड़ा, जो जी फैक्टर से ज्यादा और एस फैक्टर से कम होता है। तो व्यक्ति में कुछ अन्य विशेषताएं जैसे कि यांत्रिक योग्यता, आंकिक योग्यता, संगीत योग्यता, तो ये सभी समूह कारक में शामिल होते हैं। तो देखिए इन्होंने जी फैक्टर जो है एक कारक बताया था, दूसरा जो है इन्होंने एस फैक्टर बताया था, और इन्होंने जो है वो बीच में एक समूह कारक इसको भी जोड़ा। इन्होंने बताया कि एक और कारक होता है समूह कारक जो कि जी फैक्टर से कम और एस फैक्टर से अधिक होता है, लेकिन बाद में जो है इसे मान्यता नहीं मिली इस सिद्धांत को, और स्पीयरमैन ने अपने सिद्धांत को दोबारा से दो तत्व में बदल दिया। ठीक है, और ये सिद्धांत जो है वो अमान्य कर दिया गया था। फोर्थ नंबर पर है समूह कारक सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। इसके प्रतिपादक हैं थर्स्टन एवं कैली। तो इनकी बुक है प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, प्राथमिक मानसिक योग्यता। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है, इसे PMA सिद्धांत भी कहते हैं। तो बुक का नाम भी याद रखें, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज जो है ये बुक किसकी है, थर्स्टन कैली की है। और PMA सिद्धांत जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज है। ठीक है, समूह कारक सिद्धांत किसने दिया, थर्स्टन एवं कैली ने दिया। इनका मानना है कि दो या दो से अधिक प्राथमिक कारक मिलकर जो है एक समूह कारक बनाते हैं। तो थर्स्टन ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने से पहले जो है शिकागो विश्वविद्यालय के 240 जो विद्यार्थी हैं उन पर 56 प्रकार के प्रयोग किए। ठीक है, और इन्होंने जो है निष्कर्ष दिया जिसे हम बुद्धि कहते हैं, वह तो कुछ प्राथमिक मानसिक शक्तियों का एक समूह है। क्या कहते हैं ये कि जिसे हम बुद्धि कहते हैं वह तो कुछ प्राथमिक मानसिक शक्तियों का क्या है, एक ग्रुप है। तो थर्स्टन जो है इन्होंने बुद्धि में जी या एस कारक जो है उसको बिल्कुल भी नहीं मान्यता दी। वह कहते हैं कि जो बुद्धि है वो मानसिक संगठन के समूह कारक जो है उससे मिलकर बनती है, और इस बुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं होती हैं। तो सबसे फर्स्ट है प्रेक्षण योग्यता, अंक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, वाक योग्यता, स्मरण योग्यता, तार्किक योग्यता और पर्यवेक्षण योग्यता। यानी ये सभी योग्यताएं जो हैं जो कि प्राथमिक मानसिक क्षमताएं हैं जो कि एक व्यक्ति में ही हो सकती हैं। ठीक है,
प्रेक्षण योग्यता, इसका अर्थ क्या है कि दिए हुए स्थान में वस्तुओं का परिचालन करने या कोई जो दूरी है उसका प्रत्यक्षीकरण करने, कोई जो आकार है उनको पहचान करने की जो है क्षमता होती है। अंक योग्यता यानी कि आंकिक क्षमता, यानी कि बहुत ही तेज गति से जो है मैथ करना, ठीक है, बहुत ही बारीकी से बिल्कुल शुद्धता के साथ जो है अंकों की गणना करना, ये जो क्षमता है एक व्यक्ति में हो सकती है। उसी व्यक्ति में शाब्दिक योग्यता भी हो सकती है। शाब्दिक योग्यता का अर्थ क्या है कि जो दिए गए शब्द होते हैं उसमें से असंबंधित शब्दों को सोचना, अलग करने की क्षमता जो है वह भी उस व्यक्ति में हो सकती है। वाक योग्यता यानी कि बोलने की योग्यता, तो यह भी हो सकती है। स्मरण योग्यता, स्मरण का अर्थ क्या होता है, स्मृति क्षमता यानी कि किसी भी पाठ को, विषय को, घटना को जल्दी से जल्दी याद करने की क्षमता। तार्किक योग्यता का अर्थ क्या है, यानी वाक्यों या अक्षरों के समूह में छिपे नियम की खोज करने की क्षमता, यह भी एक व्यक्ति में हो सकती है। पर्यवेक्षण योग्यता, पर्यवेक्षण योग्यता का अर्थ क्या है, सुपरविजन यानी कि किसी भी चीज को अच्छे तरीके से देखने परखने की जो क्षमता है वह भी हो सकती है। तो ये जो सात प्राथमिक मानसिक क्षमताएं हैं वो एक व्यक्ति में हो सकती हैं। तो ट्रिक जो है वो क्या है, देखिए मैंने ट्रिक भी यहां पर लिखी है ताकि आपको एग्जाम टाइम में याद हो सके। तो यहां पर ट्रिक है MSW वीरप्पन, ऐसे आप याद रखें MSW वीरप्पन, ठीक है। तो इंग्लिश में ही याद करें, एम से है मेमोरी, एस से है सुपरविजन, डब्ल्यू से है वर्ड, वी से है वर्बल, आर से है रीजनिंग, पी से है परसेप्शनल और एन से है नंबरल। तो ये जो है सात मानसिक क्षमताएं हैं जो कि एक व्यक्ति में समूह के रूप में होती हैं, ठीक है। तो बुद्धि में जो है वो प्राथमिक मानसिक क्षमताएं होती है। किसने कहा, ये कहा थर्स्टन ने अपने समूह कारक सिद्धांत में। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर पर बहुकारक सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत, जिसे बालू का सिद्धांत भी कहते हैं और परमाणुवादी सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। तो ये बहुकारक सिद्धांत मल्टी फैक्टर थ्योरी के ही अन्य नाम है, ठीक है। थोंडाइक प्रवर्तक हैं, 1912 ईस्वी में इन्होंने ये सिद्धांत दिया। तो इनका मानना था कि व्यक्ति जो है वो अपने जीवन में जितने भी काम करता है तो हर काम के संबंध में व्यक्ति के शरीर में बुद्धि का एक तत्व जो है वह पाया जाता है। तो वह बहुत सारे काम कर लेता है जीवन भर, ठीक है। तो इनका मानना यह है कि बुद्धि जो है वह एक तत्व से मिलकर नहीं बल्कि कई तत्वों से मिलकर बनती है और जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। तो इसीलिए इन्होंने जो है बुद्धि की तुलना जो है वो किससे की, बालू से की, और बालू का सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया कि जिस प्रकार एक रेत के टीले में बहुत सारे बालू के कण होते हैं और इन कणों को जो है हम नहीं गिन सकते हैं, उसी तरीके से व्यक्ति के शरीर में भी बुद्धि के बहुत सारे तत्व, बहुत सारे कारक होते हैं जिनको कभी नहीं गिना जा सकता, ठीक है। तो थोंडाइक जो है इन्होंने स्पीयरमैन के जी फैक्टर की आलोचना की और बताया कि बुद्धि में जन्मजात जैसा कुछ भी नहीं होता है बल्कि वह असंख्य कारकों से मिलकर बनी होती है। व्यक्ति जो भी अपने जीवन में कार्य करता है तो एक तत्व जो है वो बुद्धि का कार्य उसमें होता है। तो थोंडाइक ने अपने सिद्धांत की चर्चा जो है वो बालू के ढेर से की और बताया कि बुद्धि कई तत्वों का मिश्रण है, जैसे बालू जो है यानी एक रेत का टीला जो है उसमें बालू के कई कण जो है वह शामिल होते हैं। सिक्स नंबर पर है क्रमिक महत्व का सिद्धांत, बर्ड एव बर्नर ने यह सिद्धांत दिया। तो बुद्धि के सिद्धांतों के क्षेत्र में ये जो है बिल्कुल नया सिद्धांत माना जाता है और इस सिद्धांत में बर्ड और बर्नर ने मानसिक योग्यताओं को क्रमिक महत्व प्रदान किया। इन्होंने बताया कि बुद्धि का विकास जो है वो कैसे होता है, क्रम से होता है, क्रमिक होता है, ठीक है। तो इन्होंने जो है मानसिक योग्यताओं के जो है दो स्तर बताए। एक बताया इन्होंने सामान्य मानसिक योग्यता, जिसको जनरल फैक्टर, ठीक है, और दूसरा बताया एस फैक्टर यानी विशिष्ट मानसिक योग्यता। तो इन्होंने दो आधारों पर इसे विभाजित किया और बीच में जो है इन्होंने समूह कारक जो है उसको रखा। तो इन्होंने जो है बुद्धि की जो संज्ञा है इन्होंने अपने सिद्धांत में इसकी जो तुलना किससे की, पिरामिड से की,
ठीक है, सामान्य योग्यताएं जो हैं इसको इन्होंने सबसे टॉप पर रखा, सबसे उच्च महत्व दिया, और बीच में समूह कारक और अंत में जो है विशिष्ट योग्यता को इन्होंने रखा। यानी कि जो जनरल फैक्टर है ये क्या है, जन्म जात है, ठीक है, उसके बाद एस फैक्टर यानी विशेष मानसिक योग्यताएं हैं, और इसके साथ साथ व्यक्ति में जो है स्मरण, चिंतन, तर्क, कल्पना ये भी शामिल होता है। लेकिन ये कैसे होता है, क्रम से होता है, ठीक है, तो क्रमिक जो है इसको महत्व इन्होंने दिया। नेक्स्ट देखिए, थॉमसन का प्रतिदर्श या सैंपल सिद्धांत जो कि 1955 में इन्होंने दिया, थॉमसन जो है वो अमेरिका के थे। इनका मानना था कि व्यक्ति के सामने जब भी कोई नई जो है वो प्रॉब्लम आती है, या व्यक्ति अपने जीवन में कोई भी नया काम जो है वो करना चाहता है, तो व्यक्ति अपने शरीर में पहले से उपस्थित बुद्धि के सभी तत्वों में से थोड़ा थोड़ा जो है वो पार्ट, थोड़ा थोड़ा अंश लेता है, और उसके आधार पर एक नया तत्व जो है वो प्रदर्शित करता है, ठीक है, और उसी की सहायता से जो है कोई भी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करता है। तो प्रत्येक व्यक्ति में बुद्धि की योग्यता का जो थोड़ा थोड़ा भाग पाया जाता है, जिसमें से एक अंश का निर्धारण कर व्यक्ति जो है नवीन योग्यता का निर्माण करता है, ठीक है। तो कोई भी सिचुएशन जब आती है व्यक्ति के सामने, तो बुद्धि के जो सभी तत्वों में से थोड़ा थोड़ा अंश वो ले लेता है, और उसके आधार पर जो है नया तत्व जो है वो प्रतिदर्श करता है और अपनी समस्या का समाधान कर लेता है। तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत, यह सिद्धांत दिया कैटल और हर्न ने। इन्होंने बताया कि बुद्धि के महत्वपूर्ण दो कारक होते हैं, एक होती है तरल बुद्धि और दूसरी होती है ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि जो कि जन्मजात होती है, और ठोस बुद्धि होती है अर्जित, ठीक है, और तरल बुद्धि जो है जिसका विकास जो है वो किशोरावस्था तक हो जाता है, और ठोस बुद्धि जो कि वातावरण में अनुभव के द्वारा होता है, प्रशिक्षण के द्वारा होता है। तो तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, कैटल और हर्न ने दिया। फिर देखें लेवल 1 व लेवल 2 बुद्धि का सिद्धांत, यह सिद्धांत देने वाले कौन थे, जॉनसन थे। तो नाम जो है वो आप ध्यान में रखें सभी सिद्धांतों के, कि जॉनसन ने लेवल 1 और लेवल 2 सिद्धांत दिया। तो लेवल 1, इनकी बुद्धि का संबंध जो है किसी चीज को रटने से है, और ये सभी जातियों में पाई जाती है। लेवल 2 जो है इनकी बुद्धि के लोग जो हैं समस्या समाधान की अच्छी योग्यता रखते हैं, और ये वातावरण से प्रभावित नहीं होती है बल्कि वंशानुगत होती है, और इसमें उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक योग्यता होती है। तो यहाँ आप बस ये याद रखिए कि लेवल 1 लेवल 2 बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, जॉनसन ने दिया। नेक्स्ट देखें बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत, तो यह सिद्धांत दिया बीएस ब्लूम ने। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि बुद्धि जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। तो बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत किसने दिया, बीएस ब्लूम ने दिया। इसकी डिटेल जो है वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक जो है लेवल 1 लेवल 2 सिद्धांत, बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत, कैक है या एबी सिद्धांत, केवल इनके नाम ही पूछे गए हैं ये सिद्धांत किसने दिया। तो कैक है और एबी सिद्धांत किसने दिया, डोनाल्ड हैब ने दिया। तो डोनाल्ड हैब जो है इन्होंने भी कहा कि बुद्धि दो तत्वों से मिलकर बनती है, एक तो कै और दूसरी खै से, ठीक है, जिसको ए या बी कहा गया। तो ए जो है, जो कै है वह जन्मजात योग्यता है जो कि व्यक्ति में जन्मजात गुणों का समावेश होता है कै भाग में, और अर्जित योग्यता जो है जो कि वातावरण में आकर जो है वो व्यक्ति अर्जित करता है जो कि खै भाग में समाहित होती है। के और खे मिलकर जो है गै तत्व उत्पन्न करते हैं, और तीनों तत्वों द्वारा ही व्यक्ति सभी समस्याओं का समाधान करता है, ठीक है। उसके बाद देखें बुद्धि का त्रिस्तरीय मॉडल, तो बुद्धि का त्रिस्तरीय मॉडल जो है वो किसने दिया, जॉन बी कैरोल ने दिया। इन्होंने बताया कि बुद्धि के 3 स्तर होते हैं। पहला है सामान्य यानी जी कारक, जो कि स्पीयरमैन का जो जी तत्व है इसको इन्होंने सबसे ऊपर रखा। उसके बाद विस्तृत जो है कारक, जिसमें तरल, ठोस बुद्धि, सामान्य स्मृति, अधिगम, ठीक है, इनको रखा। और तीसरे स्तर पर इन्होंने रखा प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक और प्रगति कार्य, जिसको इन्होंने संकीर्ण नाम दिया, ठीक है। तो मॉडल में सबसे नीचे अंतिम स्तर पर जो है इन्होंने किसे रखा, संकीर्ण कारक को रखा। 13 नंबर पर देखें
पास मॉडल, पास मॉडल किसने दिया? जेपी दास ने दिया। इस सिद्धांत में लूरिया के सिद्धांत को इन्होंने आधार माना। और लूरिया ने मस्तिष्क के संचालन की क्रिया चार तरह के तंत्रकीय तंत्र के तत्वों पर आधारित की। सबसे पहले योजना, फिर अवधान, फिर क्रमिक और सफलता। यानी भी किसी भी चीज की जो है हम जो है वो योजना बनाते हैं, फिर हम जो है अवधान यानी ध्यान जो है उसमें लेकर आते हैं, फिर हम उस पर कार्य करते हैं और अंत में जो है हम सफलता प्राप्त करते हैं। तो मस्तिष्क के संचालन की क्रिया जो है वो चार तरह के तंत्रकीय तंत्र के तत्वों पर आधारित होती है। तो पास मॉडल किसके द्वारा दिया गया? जेपी दास के द्वारा दिया गया। तो ये कुछ सिद्धांत थे जो कि हमने याद किए। देखिए, जिसमें नाम ही आप याद रखेंगे, तरल और ठोस सिद्धांत जो है वो कैटल ने दिया, प्रतिदर्श सिद्धांत जो है वो थॉमसन ने दिया, समूह तत्व सिद्धांत थर्स्टन ने दिया, ठीक है, बहु तत्व सिद्धांत थोंडाइक ने दिया। और इसके अलावा जो है डिटेल में याद रखें, एक तत्व सिद्धांत बिने का, द्वितत्व सिद्धांत स्पीयरमैन का, त्रितत्व सिद्धांत स्पीयरमैन का, ठीक है। और अब देखिए, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत और बहुआयामी सिद्धांत, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में गार्डनर का जो सिद्धांत तो है, यहां से प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, 1988 में ये सिद्धांत दिया। गार्डनर के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताएं होती हैं, यानी हर व्यक्ति में जो है विलक्षण योग्यताएं पाई जाती हैं। मूल रूप से गार्डनर ने सात प्रकार की बताई। 1998 में इन्होंने जो है आठवां प्रकार जोड़ा, प्रकृतिवादी बुद्धि, और 2000 में इन्होंने नौवां प्रकार जोड़ा, अस्तित्ववादी बुद्धि। अभी हम ये जो सात प्रकार हैं इनको एक एक करके पढ़ने वाले हैं, लेकिन जो है ये जो पॉइंट हैं, ये तीनों, ये भी आप बहुत अच्छे से जो है याद रखेंगे कि मूल रूप से गार्डनर ने जो है कितने बताए प्रकार? सात प्रकार बताए, ठीक है। और 1998 में इन्होंने आठवां प्रकार जोड़ा प्रकृतिवादी बुद्धि, और 2000 में नौवां प्रकार जोड़ा अस्तित्ववादी बुद्धि। तो चलिए वन बाय वन हम इसको जो है देखते हैं। सबसे पहला जो प्रकार बताया इन्होंने, भाषाई बुद्धि, वर्बल इंटेलिजेंस। तो इस बुद्धि का संबंध जो है भाषा के उत्पादन और उपयोग के कौशल से होता है, ठीक है। जो भी भाषा का उत्पादन करते हैं, भाषा का जो है उपयोग करते हैं, ऐसे कौशल वाले व्यक्ति, ये बुद्धि अपने जो है विचारों को प्रकट करने, दूसरे व्यक्तियों के विचारों को समझने, तो ये जो है क्षमता जिन व्यक्तियों में होती है तो उन्हें भाषाई बुद्धि वाले व्यक्ति कहा जाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो लेखक होते हैं, कवि जो होते हैं, तो उनमें ये बुद्धि जो है सबसे अधिक मिलेगी। कवि हैं, पत्रकार हैं, वकील हैं, इनमें भी मिलती है। दूसरा प्रकार है तार्किक और गणितीय बुद्धि का। तो ये जो बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, ये वैज्ञानिक चिंतन या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कौशल जो है इनमें होता है। तो इस प्रकार की बुद्धि की अधिक मात्रा रखने वाले व्यक्ति जो है वो तार्किक और आलोचनात्मक चिंतन कर सकते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, वैज्ञानिक हैं, गणितज्ञ हैं, सांख्यिकी अधिकारी होते हैं। तो इनमें तर्क करने की क्षमता जो है, गणितीय समस्याओं का समाधान करने की जो कैपेसिटी है वो इनमें होती है। तीसरे हैं स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि, स्पेशियल इंटेलिजेंस। तो इस बुद्धि का जो संबंध है, जो प्रतिरूप निर्माण होता है उस कौशल से होता है, यानी किसी भी चीज का जो है चेंज करके उसका नया रूप कर देना, ठीक है। तो इस बुद्धि को अधिक मात्रा में रखने वाले व्यक्ति जो है बहुत ही सरलता से सूचनाओं को अपने मस्तिष्क में रख सकते हैं। जैसे एक मूर्तिकार है, इंजीनियर है, अंतरिक्ष यात्री है। तो ये जो है ये बुद्धि वाले जो व्यक्ति हैं, ये मानसिक बिंबों को बनाने, उनका उपयोग करने, उनमें मानसिक धरातल पर जो है परिमार्जन करने की योग्यता इनमें होती है। फोर्थ नंबर पर है शारीरिक गतिक बुद्धि। शारीरिक गतिक यानी शरीर को चलाने वाले, बॉडी काइनेस्थेटिक्स। इस बुद्धि का संबंध जो है वो पूरे शरीर या कुछ, या शरीर का जो कोई भी एक अंग है उसकी लोच के उपयोग करने से होता है, ठीक है। जैसे नर्तक है, अपनी बॉडी का जो है हिलाता है तो वो डांस करता है, खिलाड़ी है, खेलता कैसे है? जब वो अपने शरीर को गति प्रदान करता है। धावक है, तैराक है। संगीतज्ञ बुद्धि वाले जो है,
हम देखते हैं जिनको संगीत यानी कि म्यूजिक की जो लय ताल जो है इसमें संवेदनशील होते हैं ऐसे व्यक्ति। और इस बुद्धि की उच्च मात्रा रखने वाले लोग जो हैं ध्वनियों को, ध्वनियों की जो नई जो रचनाएं हैं उनका सृजन करने के प्रति जो है बहुत संवेदनशील होते हैं। जैसे गीतकार है, संगीतज्ञ है, ठीक है, तबला वादक है, वायलिन वादक है। व्यक्तिगत आत्मबुद्धि या जिसको अंतर्वैयक्तिक बुद्धि भी कहते हैं, तो ये जो बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं ये जो हैं अपने भावों और संवेगों को बहुत ही इजी वे में समझ लेते हैं, उनमें अंतर कर लेते हैं, ठीक है। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं तो ये जो हैं अपनी जो भी इनकी पावर होती हैं, शक्तियां जो होती हैं या कोई कमजोरी जो होती हैं इनको भी भांप लेते हैं। तो इस बुद्धि की अधिक मात्रा रखने वाले व्यक्ति जो हैं वो अपनी जो है पहचान करना और जीवन के अर्थ को समझना ये सब जो है इनके अंदर पाई जाती है। जैसे एक ज्ञानी है, योगी है, संत है, तो ये लोग जो है खुद को भी पहचानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ये जो है जिस तरीके से संवेदनशील होते हैं जीवन के अर्थ को समझने में, तो इनके अंदर ऐसी बुद्धि मिलेगी। 7 नंबर पर है व्यक्तिगत अन्य बुद्धि या अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो इस बुद्धि में दूसरे व्यक्तियों के जो छोटे छोटे व्यवहार होते हैं उनके प्रति जो है वो संवेदनशीलता पाई जाती है, ठीक है। जैसे एक राजनेता है, चिकित्सक है, जो कि दूसरे व्यक्तियों को जो है छोटी छोटी बारीक जो उनकी व्यवहार है उनको समझने की जो है इनके अंदर क्षमता मिलेगी। 8th नंबर पर है प्रकृतिवादी बुद्धि। तो 1998 में जो 8वां प्रकार गार्डनर ने बताया प्रकृतिवादी बुद्धि का, तो ऐसे बुद्धि वाले जो व्यक्ति होते हैं तो इनमें जो है प्रकृति के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति, वनस्पतियों के प्रति जो है वो बहुत संवेदनशील होते हैं ये लोग, ठीक है। तो जिसमें किसान हैं, जीव वैज्ञानिक हैं, ठीक है, प्राणी वैज्ञानिक हैं, शिकारी हैं, ये सभी इसमें आ जाएंगे। 9वां प्रकार जो कि इन्होंने 2000 में जोड़ा था अस्तित्ववादी बुद्धि। इस बुद्धि को संसार में छिपे रहस्यों, जिंदगी, मौत, मानव अनुभूति जो है, आत्मा परमात्मा है आदि से जोड़ा जाता है, ठीक है। तो दार्शनिक चिंतन करने वाले जो व्यक्ति होते हैं तो वो सभी जो है इस बुद्धि के अंतर्गत आ जाएंगे। अब देखिए गार्डनर का जो सिद्धांत है इसकी भी आलोचना हुई, क्योंकि इन्होंने 9 प्रकार की जो बुद्धि के प्रकार बताए तो इसका कोई भी जो है टेस्ट नहीं किया, ठीक है। और इस सिद्धांत में जो है अनुभव की भी कमी रही। तो ये 2 पॉइंट जो है ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए, तो मूल रूप से 7 प्रकार बताए थे, बाद में इन्होंने जो है 8वां प्रकार प्रकृतिवादी बुद्धि जोड़ा और 9वां प्रकार अस्तित्ववादी बुद्धि जोड़ा। गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत, जिसे 3D थ्योरी भी कहा जाता है, 1967 में गिलफोर्ड ने ये सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि बुद्धि जो है 3 आयामों से मिलकर बनती है, ठीक है। कौन कौन से आयाम? सबसे पहले है संक्रिया या प्रक्रिया, दूसरा है विषय वस्तु और तीसरा है उत्पाद या परिणाम, ठीक है, जिसको इन्होंने COP थ्योरी जो है यह भी कहा। तो संक्रिया या प्रक्रिया क्या है, यानी समस्या समाधान के लिए जिस प्रक्रिया से गुजरे वह क्या है, संक्रिया या प्रक्रिया क्या है, वो प्रोसेस है। विषय वस्तु यानी कि समस्या समाधान के लिए हमने जिस सामग्री का प्रयोग किया, जिस सामग्री की जरूरत पड़ी उसे क्या कहते हैं, विषय वस्तु कहते हैं। और उत्पाद या परिणाम यानी अंत में समस्या समाधान जब हो गई तो उसके बाद जो सूचनाएं प्राप्त हुई तो वह है उत्पाद या परिणाम। तो प्रक्रिया या संक्रिया के आधार पर बौद्धिक योग्यताओं के 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। सबसे पहला है संज्ञान। तो ये जो है अधिगम की प्रक्रिया की सबसे महत्वपूर्ण जो है संक्रिया है, ठीक है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो है जो भी हम सोचते हैं तो उसका जो है प्रत्याभिज्ञान किया जाता है, ठीक है। दूसरा है स्मृति। तो जो भी कुछ हमने जो है प्रत्याभिज्ञान किया है उसे हम क्या करते हैं, अपनी स्मृति में धारण करते हैं। नेक्स्ट है अभिसारी चिंतन। तो अभिसारी चिंतन यानी कि बहुत सारी जो भी सूचनाएं हमने अपनी स्मृति में जो है धारण की है तो उनके बारे में सोचना, ठीक है,
और वो भी कैसा सोचना, सीमित तरीके से सोचना, यानी हमने जो भी कुछ याद किया है केवल उसके बारे में ही सोचना। जैसे कि भारत के जो है वो प्रधानमंत्री कौन है, तो हमने जो है वो केवल यही याद किया कि नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है। उसके बाद है अपसारी चिंतन, तो ये जो है संक्रिया प्राय सृजनशील संभाव्यता में पाई जाती है। यहाँ पर हम विविधता देखते हैं कि जो नरेंद्र मोदी के बारे में हमने जाना कि वो प्रधानमंत्री हैं, तो उनकी क्वालिटी और क्या क्या है, उनकी विशेषताएं और क्या क्या हैं, ठीक है। तो ये जो विविधता है तो उनको हम जानते हैं, ठीक है। तो व्यक्तियों के चिंतन में यहाँ पर विविधता और विशुद्धता पाई जाती है। अंत में हम देखते हैं कि हमने जो भी संज्ञान में लिया, हमने जो भी कुछ स्मृति में धारण किया, फिर हमने जो कुछ उसका याद करके, फिर हमने उनकी जो अनेक विशेषताएं हैं, गुण जो हैं उनको शामिल किया, अंत में हम देखेंगे कि गुण और दोष जो हैं उनको हम परखेंगे, ठीक है। जो भी समस्या थी उसके समाधान के लिए हम जिन प्रक्रियाओं से होकर गुजरे वो यही हैं, वो यही पांच प्रकार हैं, ठीक है। अगला देखिए विषय वस्तु। विषय वस्तु यानी कि मैंने आपको बताया कि बौद्धिक बिंदु को लेकर जो दूसरा वर्गीकरण है वो विषय वस्तु है, जिसमें हम किसकी बात करेंगे, उस सामग्री की बात करेंगे जो कि समस्या समाधान के लिए हमें जरूरत पड़ी, जिसमें चार चीजें जो है वो शामिल हैं। कौन कौन सी? एक तो है चित्र, दूसरा है संकेत, तीसरा है स्मृति या संबंध, और चौथा है व्यवहार। तो आकृति संबंधी जो विषय वस्तु है ये स्थूल सामग्री है जो कि इंद्रियों के संपर्क द्वारा उपलब्ध की जाती है, ठीक है। तो इसमें जो है आकार आ जाएगा किसी भी विषय वस्तु का, सामग्री आ जाएगी, ठीक है, प्रकार आ जाएंगे, रंग आ जाएंगे। दूसरा है संकेत, अक्षर या प्रतीक। तो प्रतीकात्मक विषय वस्तु जो है ये अक्षरों, अंकों और अन्य परंपरागत चिन्हों द्वारा निर्मित होती है, और इसका उपयोग जो है वो प्राय सामान्य प्रतिमानों जैसे वर्णमाला है, अंकों की व्यवस्था के संगठन के लिए किया जाता है। तीसरी है स्मृति संबंध भाषागत शब्द। तो ये जो है शब्दार्थ विषयक विषय वस्तु है, तो ये अर्थों और विचारों के रूप में होते हैं और इनके लिए उदाहरण का होना जो है आवश्यक नहीं होता है। व्यवहारात्मक जो विषय वस्तु है तो इसके अंतर्गत मानव व्यवहारों या अंतःक्रियाओं का अशाब्दिक अवबोध आता है, और इसे जो है क्या कहेंगे हम, सामाजिक बुद्धि जो है वह भी कहेंगे। तीसरा जो आयाम है वह है उत्पाद या परिणाम। अब हमने किसी समस्या के समाधान के लिए हम जिस प्रोसेस से होकर गुजरे, हमने जिन विषय वस्तु का जो है प्रयोग किया, तो अंत में जो है समस्या का जब समाधान हो जाता है तो उसके क्या परिणाम निकलते हैं। तो समस्या समाधान करने के बाद जो सूचनाएं प्राप्त हुई उसमें छह चीजें शामिल होती हैं। सबसे पहले है इकाई, फिर है वर्ग, संबंध, प्रणाली, रूपांतरण और अनुप्रयोग, ठीक है। तो इकाई जो है ये पदार्थ की आकृति रखने वाले जो हैं, सीमाबद्ध सूचना के पद पूर्ण कर मनोविज्ञानिक के स्थल पर आकृति के निकट हो सकते हैं, और वर्ग जो है वो अपने स्वयं के समान गुणों के आधार पर वर्गीकृत पदों के कुलकों के अंतर्गत अंतर्निहित अवधारणाएं होती हैं। संबंध जो है तो ये जो है जो भी सूचनाएं होती हैं उनके बीच में क्या संबंध है, ठीक है, उन बिंदुओं की सूचना के मध्य संबंध जो है उनको व्यक्त करती है। प्रणाली या जिसे हम व्यवस्थाएं भी कह सकते हैं, तो सूचनाओं के पदों के संगठित और संरक्षित समूह अंतः संबंधित अंतः क्रिया करने वाले भागों की जटिलताएं हैं। और उसके बाद जो रूपांतरण है यानी वर्तमान सूचना या इसके कार्यभार के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन को दर्शाती है, और अंत में है अनुप्रयोग, ठीक है। तो देखिये यहाँ पर गिलफोर्ड की जो थ्योरी है उसमें आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, सबसे पहली बात त्रिआयामी सिद्धांत 3D थ्योरी किसकी है, गिलफोर्ड की, ठीक है। कितने आयाम से मिलकर बनी है बुद्धि, गिलफोर्ड के अनुसार तीन आयाम से, संक्रिया, प्रक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद से, ठीक है। जिसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, सिर्फ ये तत्व जो है, चीजें जो है ये पूछी जाएंगी, पूछा जाएगा कि जो विषय वस्तु है इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, चित्र, संकेत, स्मृति संबंध और व्यवहार, ठीक है। लास्ट का जो है तीसरा
समस्या समाधान करने के बाद जो परिणाम निकलता है उसमें कौन से तत्व शामिल हैं? इकाई, वर्ग, संबंध, प्रणाली, रूपांतरण और अनुप्रयोग। और संक्रिया में संज्ञान, स्मृति, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन और मूल्यांकन। तो ये जो चीजें हैं, ये जो तत्व हैं, इनको आप याद रखोगे, यही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इनकी डिटेल आपसे नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ ये जो नाम है आपको याद रखने हैं। क्योंकि एग्जामिनर जो है वो क्या करेंगे कि ये जो है चार जो इन्होंने जो चीजें यहाँ पर शामिल की हैं गिलफोर्ड ने, इसमें से तीन ले लेंगे और चौथी जो है उत्पाद या परिणाम की जो है यहाँ पर डाल देंगे। जैसे व्यवहार है इसको हटाकर यहाँ कर देंगे रूपांतरण, चित्र, संकेत, स्मृति, संबंध और रूपांतरण। तो इनमें से कौन सी विषय वस्तु में शामिल नहीं है, तो आप वहां पर क्या करेंगे, वहां पर आंसर करेंगे रूपांतरण। गिलफोर्ड ने 1961 में मूल कोष जो है वो कितने बताए, 120 बताए। तो हमने जो ये तीन आयाम देखे उसमें सबसे पहले जो है जो विषय वस्तु है उसमें चार चीजें शामिल की, उसके बाद संक्रिया में पांच चीजें शामिल की और उत्पाद में छह। ठीक है, तो इस तरीके से हम यदि इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 कोश बताए। 1967 में इन्होंने जो है संशोधन किया और उसके बाद इन्होंने जो है जो हमने देखा विषय वस्तु उसमें एक और जो है तत्व शामिल किया और इस तरीके से 150 कोश बताए। 1988 में इन्होंने फिर से संशोधन किया और उसके बाद इन्होंने जो है कितने कोश बताए, 180, यानी कि इन्होंने जो विषय वस्तु उसमें एक तत्व शामिल किया था उसके बाद इन्होंने संक्रिया में भी एक तत्व शामिल किया और इस तरीके से इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 कोश निकल कर आते हैं। तो गिलफोर्ड का जो त्रिआयामी सिद्धांत है इसको बुद्धि संरचना मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, तो जिस तरीके 1961 में जो मूल कोष बताए तो वो इस तरीके से इन्होंने जो है मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक है, उसके 1967 में संशोधन किया, 150 कोष बताए और 1988 में 180 कोष बताए। एग्जाम्पल देखिए, बाहर घूमने जा रहे हैं या पार्टी अटेंड करनी है, ठीक है, तो आज कौन सी ड्रेस पहने, ये क्या है, संक्रिया है, क्योंकि इस प्रोसेस से होकर हम गुजरेंगे। सोच विचार करके निश्चय करते हैं कि कोट पैंट पहनते हैं, तो कोट पैंट क्या हुआ, विषय वस्तु हो गया। और जब कोट पैंट पहनकर हम चल दिए पार्टी में हम, तो वो क्या है, उत्पाद है, परिणाम है। ठीक है, तो ये बिल्कुल साधारण सा एग्जाम्पल जो है आपके सामने रखा ताकि आपको ये चीज समझ में आ सके। बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत या त्रिचापीय सिद्धांत भी जिसको कहा जाता है, इसे सूचना संसाधन सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये सिद्धांत देने वाले हैं स्टर्न वर्ग, इन्होंने ये सिद्धांत दिया बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत। तो इनका क्या मानना था, इनका मानना था कि बुद्धि जो है वो विभिन्न प्रकार के मूल कौशल में बटी होती है और प्रत्येक घटक के आधार पर व्यक्ति को कुछ विशेष सूचनाएं प्राप्त होती हैं जिनको वह उनके जो है गुण दोष जो है उनकी जांच करता है, विवेचना करता है और फिर अपनी समस्या का सॉल्यूशन करता है। ठीक है, तो स्टर्नबर्ग जो है इन्होंने आईक्यू को चुनौती दी अपने त्रितंत्र सिद्धांत में। इन्होंने कहा कि आईक्यू के आधार पर जो है हम ये नहीं जान सकते हैं कि व्यक्ति जो है वो आगे जाके सक्सेस होगा या नहीं होगा। ये कहते हैं कि बुद्धि वह योग्यता है जिसमें व्यक्ति अपने पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होता है और अपने समाज और अपनी संस्कृति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पर्यावरण के कुछ पक्षों का चयन करता है और फिर जो है उसमें चेंजमेंट लाता है। तो कहते हैं कि तर्क करते समय व्यक्ति के क्या विचार हैं, वह किस प्रकार तर्क का समायोजन करता है, आईक्यू के अधिक होने से ये जरूरी नहीं है कि वो आगे सफल होगा या नहीं होगा। तो बुद्धि जो है केवल आलोचनात्मक और तार्किक ढंग से सोचना है, इनका ये कहना है। ठीक है, तो इनकी जो बुक है बियॉन्ड आईक्यू, स्टर्नबर्ग जीन पियाजे से प्रभावित थे। वे मानते थे कि आईक्यू के अलावा भी बालक किसी भी तीन फील्ड में सफलता प्राप्त कर सकता है। तो इन्होंने जो पराघटक बताए, एक तो है पी यानी प्रैक्टिकल, सी क्रिएटिव और तीसरा है एनालिटिकल। ठीक है, ये कहते हैं कि बुद्धि जो है वो विभिन्न प्रकार के मूल कौशलों में बटी होती है और इन्हीं के आधार पर जो है व्यक्ति कुछ विशेष सूचनाएं प्राप्त करता है, गुण दोषों का पता करता है और अपनी समस्या का समाधान करता है। तो ये जो इन्होंने बताए बुद्धि के प्रकार,
सबसे पहले है संदर्भात्मक बुद्धि, जिसे व्यवहारात्मक बुद्धि भी कहा जाता है, प्रैक्टिकल या कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इस बुद्धि के द्वारा व्यक्ति जो है वो अपनी दिन प्रतिदिन के जीवन में आने वाली जो पर्यावरणीय मांगे हैं इनसे निपटता है। ठीक है, व्यक्ति का समायोजन वातावरण के साथ सूझबूझ, ये बुद्धि इसके अंतर्गत आएगी। यहाँ पर जो है बुद्धि को व्यवसायिक समझ जो है वो हम कह सकते हैं। तो इस बुद्धि की अधिक मात्रा रखने वाले जो लोग होते हैं वो अपने वर्तमान पर्यावरण से शीघ्र जो है अनुकूलित हो जाते हैं, या फिर वर्तमान पर्यावरण की अपेक्षा अधिक अनुकूलन पर्यावरण का चयन कर लेते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण की जो भी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ढल जाते हैं ऐसे बुद्धि वाले व्यक्ति। दूसरा है सृजनात्मक बुद्धि या अनुभवजन्य बुद्धि, एक्सपेरियंशियल क्रिएटिव इंटेलिजेंस। तो इस बुद्धि के द्वारा व्यक्ति जो है किसी नई समस्या के समाधान के लिए अपने पूर्व अनुभव उनका सृजनात्मक रूप से प्रयोग करता है। किसका? पूर्व अनुभवों का। ठीक है, तो ये बुद्धि जो है सृजनात्मक निष्पादन में प्रदर्शित होती है। तो पूर्व अनुभव और पूर्व ज्ञान से विकसित होने वाली बुद्धि है सृजनात्मक बुद्धि। तीसरी है घटकीय बुद्धि या विश्लेषणात्मक बुद्धि, कंपोनेंशियल या एनालिटिक। तो इस बुद्धि के द्वारा व्यक्ति जो है किसी समस्या का समाधान करने के लिए प्राप्त सूचनाएं जो है उनका क्या करेगा? विश्लेषण करता है। और इस बुद्धि की अधिक मात्रा रखने वाले लोग जो हैं वो इसी तरीके से सोचते हैं, विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक ढंग से सोचते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। तो इसके द्वारा व्यक्ति तर्क वितर्क, वाद विवाद और समस्याओं का समाधान पाने में सक्षम हो जाता है। तो त्रिचापीय सिद्धांत किसका है? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का है। तो चलिए फटाफट से मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ ताकि आपको और भी आसान हो जाए। बुद्धि के सिद्धांत में हमने सबसे पहली जो सिद्धांत देखा किसका? अल्फ्रेड बिने का देखा। वो क्या कहते हैं कि बुद्धि जो है एक अखंडात्मक इकाई है, यानी एक कारक जो है वह होता है बुद्धि में। ठीक है, यानी एक व्यक्ति एक क्षेत्र में निपुण है तो वो हर क्षेत्र में निपुण होगा, ऐसा कहते हैं अल्फ्रेड बिने, जिसको नकार देते हैं जॉनसन। वो कहते हैं ऐसा जरूरी नहीं है। द्विकारक सिद्धांत जो है वो स्पीयरमैन ने दिया। वो कहते हैं बुद्धि में दो तत्व शामिल होते हैं, एक तो जी फैक्टर जो कि जन्मजात है, जिसको हम बदल नहीं सकते हैं, जो व्यक्ति जैसा पैदा हुआ है तो उस समय ये जो है कारक होता है। ठीक है, दूसरा कारक उन्होंने विशिष्ट कारक बताया, एस फैक्टर, जिसको कहा कि ये वातावरण में आकर जो है व्यक्ति अर्जित करता है, जिसको हम जो है ट्रेनिंग देकर हम बदल सकते हैं। त्रिकारक सिद्धांत भी किसने दिया? स्पीयरमैन ने ही दिया। तो जिसमें उन्होंने जो है एक और तत्व को शामिल किया, समूह कारक को, लेकिन बाद में जो है इसको इम्पोर्टेंट नहीं माना गया और वापस जो है वो द्विकारक सिद्धांत पर आ गए स्पीयरमैन। समूह कारक सिद्धांत जो है वह किसने दिया? थर्स्टन कैली ने दिया। उन्होंने कहा कि बुद्धि जो है सात जन्मजात योग्यताओं के आधार पर बनती है, यानी कि बुद्धि में जो है सात जन्मजात योग्यताएं होती हैं। कौन कौन सी? जिसको हमने एक ट्रिक के माध्यम से याद किया था, MSW वीरप्पन। ठीक है, तो कौन कौन सी थी? तो देखिए फटाफट से सुनिए, प्रेक्षण योग्यता, अंक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, वाक योग्यता, स्मरण योग्यता, तार्किक योग्यता और पर्यवेक्षण योग्यता। फिर हमने बहुकारक सिद्धांत जो देखा, बहुकारक सिद्धांत, बालू तत्व का, बालू का सिद्धांत जिसको कहते हैं, परमाणुवादी सिद्धांत कहते हैं, थॉर्नडाइक का है। ठीक है, तो थॉर्नडाइक क्या कहते हैं कि बुद्धि एक तत्व से मिलकर, दो तत्व से मिलकर या कुछ समूह से मिलकर नहीं बनती है, बल्कि बुद्धि जो है उसमें कई तत्व शामिल होते हैं, असंख्य कारकों से मिलकर बनती है। ठीक है, फिर हमने जो है क्रमिक महत्व का जो सिद्धांत तो देखा, तो वहां आप नाम याद रखें, बर्ट और बर्नर्ड ने दिया क्रमिक महत्व का सिद्धांत। प्रतिदर्श सैंपल सिद्धांत थॉमसन ने दिया। तरल ठोस सिद्धांत कैटल ने दिया। ठीक है, लेवल वन लेवल टू सिद्धांत किसने दिया? जॉनसन ने दिया। उसके बाद आश्चर्यजनक जो सिद्धांत है वह किसने दिया? ब्लूम ने दिया। ठीक है, कैके और एबी सिद्धांत किसने दिया? डोनाल्ड हैब ने दिया। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट जो थ्योरी देखी गार्डनर का, गार्डनर की जो है बहुबुद्धि सिद्धांत, जिसे बहुआयामी सिद्धांत भी कहते हैं, यानी बुद्धि जो है वो बहुआयामों से मिलकर बनती है, जिसमें इन्होंने इंपॉर्टेंट बताए कि सात प्रकार होते हैं, मूल रूप से सात प्रकार बताए उन्होंने, जिसमें जो है कौन कौन से प्रकार बताए थे? भाषाई बुद्धि,
ठीक है। और तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, संगीतज्ञ बुद्धि, उसके बाद अंतरावैक्तिक बुद्धि, अंतरवैक्तिक बुद्धि, बाद में उन्होंने प्रकृतिवादी बुद्धि और अस्तित्ववादी बुद्धि को जोड़ा। फिर हमने गिलफोर्ड का जो त्रिआयामी सिद्धांत या 3D थ्योरी पढ़ी, तो गिलफोर्ड कहते हैं कि त्रिआयामी यानी कि तीन आयामों से मिलकर बुद्धि बनती है। कौन कौन से आयाम? एक तो वो आयाम जिसमें कोई भी समस्या जो होती है उसके समाधान के लिए हम जिस प्रोसेस से गुजरते हैं, दूसरा जिन विषय वस्तु का हमने प्रयोग किया, और तीसरा लास्ट में समस्या का समाधान होने के बाद क्या परिणाम निकल कर आया। तो बुद्धि जो है तीन आयामों से मिलकर बनती है, ठीक है। बुद्धि का जो त्रितंत्र सिद्धांत है या त्रिचापी सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टर्नबर्ग जो है वो क्या कहते हैं कि बुद्धि जो है क्या है, यदि व्यक्ति तीन फील्ड में सफलता प्राप्त कर सकता है तो यानी कि वो बहुत अधिक बुद्धिमान है, ठीक है। बुद्धि वह योग्यता है जिसमें व्यक्ति जो है अपने पर्यावरण के प्रति जो है वो अनुकूलित हो जाता है, और अपने या अपने समाज या संस्कृति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पर्यावरण के कुछ पक्षों का चयन करता है और उनको परिवर्तित कर देता है। तो जो तीन इन्होंने जो फील्ड बताए जिनमें वो सफलता प्राप्त कर सकता है, एक बताया संदर्भात्मक बुद्धि, दूसरा सृजनात्मक बुद्धि और तीसरा घटकीय बुद्धि, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो सात बुद्धि के सिद्धांत जो कि मैंने आपको अभी बताए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। कौन कौन से? अल्फ्रेड बिने का एक तत्व सिद्धांत, स्पीयरमैन का द्वि तत्व सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड का, बहुआयामी सिद्धांत जो है वो गार्डनर का, और इसके बाद जो है मैंने त्रिचापीय सिद्धांत जो है वो स्टर्नबर्ग का बताया, और किसका बताया? थॉर्नडाइक का जो है बालू का सिद्धांत बताया। तो ये जो सात सिद्धांत है ये तो आप बहुत अच्छे से जो है इनको ध्यान से याद रखेंगे, हर शब्द जो है इनका याद रखेंगे। तो आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बुद्धि परीक्षण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।